अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ टींडे गोश्त। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, गर्मियों की मशहूर सब्जी है ये टींडे। तो गोश्त के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टींडे के कुछ फ़ायदे बताऊंगी। जैसे जो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मैं थोड़े से ही फ़ायदे आपको बताऊंगी। गिजाई अज्जा और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं इसके अंदर। गर्मी के बुखार, प्यास और गर्मी की दूसरी तकलीफ़ों में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है ये टींडा। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि पता नहीं किसी आप लोगों को पता है या नहीं, इसका अचार भी बनाया जाता है और इसके सीड्स को भी फ्राई करके खाया जाता है। बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है, ज़बरदस्त है, इसे गर्मियों में ज़रूर यूज़ करें। इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप इसे चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, अकेला भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो देखते हैं हमें टींडे गोश्त बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन लिया हुआ है मैंने आधा किलो, टींडे थे इनको भी छोटे साइज में थे तो मैंने दो हिस्से में कट कर लिया और पानी में रखा हुआ है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ में दो छोटे साइज के टमाटर थे इनको कट किया है और एक दरमियानी साइज की प्याज कट करके रखी हुई है। अगर आपने मेरा चैनल हंजलिया मलिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, गैस भी ऑन कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और इसका कलर जब तक चेंज होता तब तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन का कलर चेंज हो चुका है थोड़ा। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी, साथ ही रेड मिर्च और नमक। अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये सब्जी ऐड कर देंगे जो टींडे हमने कट करके रखे हुए थे और साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। माशाल्लाह ये टींडे इसके अंदर गोश्त के अंदर माशाल्लाह अच्छी तरीके से फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि जो लोग सब्जियाँ नहीं खाते वो सब्जियाँ ज़रूर खाएं। तो आप सब्जी अगर अकेली खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे गोश्त में ऐड कर सकते हैं, दालों के साथ ऐड कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं। लेकिन सब्ज़ी खाएँ ज़रूर, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर अपने बच्चों को भी सब्ज़ी खाना सिखाएँ क्योंकि सब्जियों से बहुत जल्दी बच्चों में अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स काफ़ी मिकदार में होते हैं और कुदरती मिनरल्स जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उसकी क्या ही बात है। माशाल्लाह टींडे गलना स्टार्ट हो चुके हैं, तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी ताकि ये मज़ीद अच्छी तरीके से गल भी जाएँ और खाने में भी बहुत मज़े की हो जाएँ।
अब मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि वो जो टिंडों के अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट होने में कमी रह गई थी वो मज़ीद पूरी हो जाए और थोड़ी लाइट सी ग्रेवी भी बन जाए जो खाने के साथ बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ। तो ये अब 5 से 10 मिनट इसको पकाऊंगी तो उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे ठहराऊंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, ये सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। तो रेडी है माशाल्लाह हमारा सालन, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत यम्मी है। आपने भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ट्राई करना है, जो फीडबैक देने हैं कैसे बने हैं। सब्ज़ी बहुत ही मज़े की होती है, इसे ज़रूर यूज़ किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।